हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम बजट फ्रेंडली होटल लेके आया हूँ, जो कि सिचुएटेड है एमजी मार्ग के बिल्कुल पास। अगर आप ये होटल में रुकते हैं तो आपको लिफ्ट फैसिलिटी, इन हाउस रेस्टोरेंट एंड कार पार्किंग फैसिलिटी मिलेगा। मैं जिस होटल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, उस होटल का नाम है होटल बाजरा रेसिडेंसी। ये सिचुएटेड है नामनांग रोड के ऊपर, जो कि एमजी मार्ग से डिस्टेंस है सिर्फ 5 मिनट का। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ये वीडियो होटल बाजरा रेसिडेंसी के ऊपर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप लोग मेरा चैनल का जो थैंक्स के थ्रू आप लोग जो भी हेल्प आप लोगों को अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इससे मेरे को बहुत मोटिवेट मिलेगा और मैं मेरा जो गैजेट्स है जिसके थ्रू मैं शूटिंग करता हूँ या जो भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप लोगों के सामने वीडियो लेके आता हूँ इन्फॉर्मेटिव, तो उसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ मेरा गैजेट को। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज शांतनु एंड यू आर वॉचिंग ट्रैवल एक्सप्लोरेशन। आज है 24 अगस्त 2024 और मैं हूँ एमजी मार्ग पे, और आज आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ नामनांग रोड के पास एक होटल दिखाने के लिए। चलिए मेरे साथ, और मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके मेरे को मोटिवेट कीजिए सो दैट मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ सकूँ। थैंक यू। ये है वो होटल, नामनांग रोड में सिचुएटेड है होटल बाजरा रेसिडेंसी। मैं हूँ अभी नामनांग रोड में, और नामनांग रोड में मैं जिसके लिए आया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं पीछे होटल बाजरा रेसिडेंसी, ये होटल बाजरा रेसिडेंसी के अंदर आप लोगों को लेके चलूंगा। इसके अंदर ले जाके रूम टूर से लेके टैरिफ एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एक प्रीमियम बजट फ्रेंडली होटल है, चलिए मेरे साथ। और ये जो होटल है ना, सामने ही है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो है स्मार्ट बाजार रिलायंस का, उसी के ठीक बगल में ही है ये होटल। अभी मैं हूँ इस बाजरा रेसिडेंसी, जो होटल है जिसको आप लोगों को दिखाने के लिए आया था, उसी का रिसेप्शन एरिया पे, और यहीं पे है जो इस होटल का मैनेजर, उनके साथ मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये है होटल के मैनेजर। नमस्ते, आपका नाम बोलिए। राजेश बसाक। राजेश बसाक, ये है होटल के मैनेजर। तो अभी राजेश जी, ये बताइए कि आपका ये जो होटल है, होटल बाजरा रेसिडेंसी, अच्छा, इसमें टोटल कितना रूम्स है? 20 रूम्स है। इसमें व्यू रूम कितना है, नॉन व्यू रूम कितना है? जैसे कि व्यू रूम हो गया हम लोगों का 12, नॉन व्यू हो गया 8। ओके, व्यू हो गया 12, नॉन व्यू 8। ओके, अच्छा, ये जो होटल है, ये होटल का अगर कोई आने के लिए प्लान करता है इस होटल में रुकने के लिए, तो ये होटल से क्या क्या सर्विस आप लोग देते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का होटल में जो भी गेस्ट आ रहा है, स्टे कर रहा है, अगर वो लोग हमसे कुछ प्रोवाइड चाहते हैं, जैसे कि छंगू नाथुला बाबा मंदिर ये जाना चाहता है, तो हम लोग वो कर देते हैं। ओके, अगर गेस्ट का रिक्वायरमेंट रहा तो हम लोग नहीं फोर्स करते उन लोगों को। ओके, और इसके अलावा क्या क्या करते हैं? इसके अलावा आप लोगों के यहाँ पे गीजर 24/7 है। हाँ, गीजर, वाईफाई फैसिलिटी है, सब कुछ है हम लोग। लिफ्ट फैसिलिटी भी है, एमिनिटीज जो भी रूम में है सब कुछ हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कार पार्किंग फैसिलिटी भी तो होगा आपके होटल के सामने? कार पार्किंग फ्री है हम लोगों का। ओके, तो दैट मीन्स आप लोग अगर गाड़ी लेके आते हैं, अपना व्हीकल लेके आते हैं, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, तो आप लोग यहाँ पे आके पार्क करके आराम से इधर उधर आसपास घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इस होटल पे आप लोगों का जो रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट में आपका क्या इन हाउस रेस्टोरेंट है इस होटल पे? जी जी, हम लोगों का इन हाउस रेस्टोरेंट है, अदरवाइज जो बाहर का टूरिस्ट है उन लोगों को हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। ओके, और ये चीज, और एक चीज बताइए कि ये जो आपका रेस्टोरेंट है, इसमें आपका जो फूड मिलता है वो क्या वेज नॉन वेज सभी टाइप का फूड मिलता है? दोनों मिलता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले आपका जो रूम है वो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे टैरिफ के बारे में। ठीक है, ठीक है, चलिए रूम देख लेते हैं। ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये है इसका रिसेप्शन एरिया इस बाजरा रेसिडेंसी का, और अभी हम लोग चलेंगे लिफ्ट के थ्रू टॉप फ्लोर में। ये 5th-story बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर में पहुंच के
मैंने इस होटल बाजर रेसिडेंसी का सभी रूम देख लिया तो अच्छा लगा। रूम जो व्यू रूम है बहुत ही अच्छा व्यू है, दो साइड से व्यू है। तो यहाँ से एकदम सामने ही है रोपवे जो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो गैंगटॉक के अंदर रोपवे चलता है एकदम सामने से यहाँ से मूव होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ में हिल का पूरा व्यू दिखेगा, शायद कांचनजंगा का व्यू शायद आपको नहीं दिख सकता है, बट हिल का व्यू आराम से दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, बहुत अच्छा व्यू है। तो मैं इस होटल का जो मैनेजर जिसके साथ मैंने रूम देखा उनके साथ अभी बात करूंगा इस होटल के टैरिफ के बारे में, उनसे मैं पूछूंगा कि कैसा क्या टैरिफ है कैटेगोरी वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजेश जी, जी ये जो आपका होटल बाजर रेसिडेंसी, आपने सभी रूम हम लोगों को दिखाया तो अच्छा लगा रूम देख के, तो अभी हमको थोड़ा बताइए कि ये जो होटल बाजर रेसिडेंसी का कैटेगोरी वाइज टैरिफ क्या है। जैसे कि मान लीजिए जो फ्रंट फेसिंग व्यू रूम है वो 3000 ओनली लॉजिंग में है, विथ ब्रेकफास्ट 3500, उसके साथ जीएसटी अलग से, जीएसटी अलग से। जैसे कि जो हो गया हम लोगों का बैक साइड का रूम वो हो गया आप लोगों का 2500 ओनली लॉजिंग में, और ब्रेकफास्ट इंक्लूड 2800 रुपया विथ जीएसटी। ओके, तो ये जो रूम है ये तो आपका जो आप टैरिफ के बारे में अभी बात किया, ये टैरिफ तो आपका सीजनल टैरिफ होगा राइट, जैसा कि आपका दुर्गा पूजा के टाइम पे या आपका दिसंबर जो क्रिसमस होता है उसका है। या गर्मी का सीजन जो आपका मार्च से लेके जून तक चलता है उस टाइम का ये टैरिफ आपने बताया, और जो बाद बाकी टाइम का जो टैरिफ क्या हो सकता है इस होटल में अगर कोई रुकने के लिए आता है उसमें हम लोग डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 20% ऐसा वगैरह कुछ सिचुएशन डिमांड का अनुसार में हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं। कितना डिस्काउंट करते हैं? जैसे कि मान लीजिए जो 2500 है उसको हम लोग बैक साइड का बोल रहे हैं, अभी 2500 है उसको हम लोग 2000 में दे देते हैं, और कुछ हो सके तो और भी 100-200 घटा देते हैं, और जो फ्रंट फेसिंग हो गया वो 3000 है ओनली लॉजिंग में उसको हम लोग 2500 में देते हैं। okay. अगर गेस्ट का और भी कुछ ये रहा तो उसको 2200-2300 में दे देते हैं, लेकिन हम लोग इससे कम नहीं देते हैं। ठीक है ठीक है, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक बात, हाँ बोलिए, अगर आपका चैनल का थ्रू से कोई आता है तो उन लोगों के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट हम लोग जरूर देंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इनका जो नंबर है मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इनके साथ आप लोग कॉन्टेक्ट करके बुक कर सकते हैं, या आप लोगों के पास अगर कोई क्वेरी भी है जैसा कि आप लोग यहाँ पे आके कहीं घूमना चाहते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या रेट है ना है, या जिस सीजन में आप आने के लिए प्लान कर रहे हैं उस सीजन में क्या टैरिफ चल रहा है इस होटल में, तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा राजेश जी, थैंक यू थैंक यू।